नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदों की आवश्यकता है, तो मैंने 32 फंदे डाले हैं, 32 फंदे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे, ये डिजाइन रॉन्ग साइड से पड़ता है। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा। तो इन्हीं दो फंदों को बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन जैकेट कोटी में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो पहली लाइन में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब एक लूप निकालेंगे, देखिए अंगूठा जो है इस धागे के नीचे रखेंगे, उंगली से धागे को पकड़ लेंगे और ऊन को सिलाई के नीचे रखेंगे। देखिए एक लूप बन गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगला फंदा सीधा है, इसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे, लेकिन उल्टा बुनने से पहले ऐसे खींच के देख लेंगे। देखिए एक सिरा ये बंधा हुआ है और दूसरा सिरा ऐसे, देखिए ये सरक रहा है। तो जो सिरा बंधा हुआ है उस सिरे की तरफ से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और जो दूसरा सिरा हमारा, इसे हम ऐसे खींच लेंगे, ऊन सारा दूसरी तरफ चला गया। अब देखिए अगला फंदा उल्टा है तो ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब फिर से लूप निकालेंगे, वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उल्टे वाले फंदे को ना खींचने वाले सिरे से उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर दूसरा सिरा जो है उसे ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। अब फिर इसे घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे क्योंकि अगला फंदा उल्टा है। लूप लेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है, ना खींचने वाले सिरे से उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर देखिए दूसरा फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। अब ऊन को वापस अपनी तरफ कर लेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, नेक्स्ट फंदा ये देखिए उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। लूप लिया, एक फंदा सीधा ऐसे स्लिप किया, नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, इसके पहले ऐसे खींच के देख लेंगे, जो सिरा खींचता ना हो उधर से हम एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर कर देंगे और इसे खींच लेंगे। 4 फंदे का डिजाइन है, पहला फंदा उल्टा, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा है उसे ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचता ना हो उसे उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे खींच देंगे, उल्टा, फिर लूप लेंगे, फिर सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, दूसरे वाले सिरे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। एक लूप लिया, 2 3 4 ऊन अपनी ओर, 4 फंदों का ये रिपीटेड डिजाइन है। एक फंदा उल्टा, फिर लूप लेंगे, फिर सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और ऐसे खींच देंगे। तो 4 फंदे को ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे। रॉन्ग साइड से देखिए, पहला फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को पूरी सिलाई में दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यानी हमारा पहला लाइन। रॉन्ग साइड से हम अपने
पहले लाइन को ही बार बार दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। डिजाइन का चौथा लाइन और सामने से, तो पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे। अब दो फंदा छोड़ने के बाद फिर हम अपना चार फंदे का पैटर्न शुरू कर देंगे, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, फिर लूप लेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खींच देंगे। यानी अब डिज़ाइन जो है दो फंदे के आगे चल जाएगा, अब डिज़ाइन दो डिज़ाइन के बीच में पड़ेगा। अब देखिए उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर उनको अब लूप लेंगे, फिर अगला फंदा सीधा है इसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा, फिर उन अपनी ओर और दूसरे सिरे को खींच देंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पहले एक फंदा उल्टा, फिर लूप लेना है, फिर स्लिप करना है, फिर अगला फंदा उल्टा इसे उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर कर देंगे और इस फंदे को ऐसे खींच लेंगे, फिर धागे को खींच देंगे, उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ गांठ पड़ गया है तो इसे खींच नहीं पाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा इसे सीधा बुनेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे, फिर ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फिर इन तीन फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे। देखिए हमारा ये फिर ऐसे खिंच गया। अब फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर चार फंदे का पैटर्न शुरू करेंगे। अगली डिजाइन एक उल्टा, फिर लूप लेंगे, या फिर अगला फंदा स्लिप करिए, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, तीन सिलाई को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और फिर ऊन को अपनी तरफ। इन दोनों तरीके से बुना जा सकता है, एक फंदा उल्टा, फिर लूप लेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा ऐसे सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे खींच देंगे। तो दोनों तरीके से यह बनाया जा सकता है। चार चार फंदे का ये डिज़ाइन है और इन्हीं चार फंदों को हमें रिपीट करना है। उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, फिर तीन फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। तो चार फंदे का और चार लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं चार लाइनों को दोहराने से ये देखिए पैटर्न ऊपर की तरफ बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर डिज़ाइन है। देखिए सामने की तरफ से ऐसा है और रॉन्ग साइड में ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।